ये तो हम सभी जानते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा शरीर को त्याग देती है। क्या आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं कि आखिर पूरे शरीर के किस हिस्से में आत्मा का वास होता है? अंतिम समय के दौरान इंसान के शरीर के किन भागों से आत्मा निकलती है, शायद आप नहीं जानते होंगे। चलिए आज आपको बताते हैं इस वीडियो में। गरुड़ पुराण में ऐसा बताया गया है कि मनुष्य के शरीर में 10 अंग होते हैं जो हमेशा खुले रहते हैं। 2 आंख, नाक के 2 छिद्र, 2 कानों के छिद्र, मुख और मल मूत्र विसर्जन का द्वार, और अंत में आता है सिर के बीच का तलवा। अपनी जिंदगी में इंसान जैसा कर्म करता है, मौत के समय उसकी आत्मा भी कर्मों के हिसाब से शरीर के इन भागों से निकलती है। जैसे कि अच्छी आत्माएं सिर के तलवे से निकलती हैं, और वहीं बुरी आत्माएं गुप्तांगों से निकलती हैं, जिससे उन्हें बेहद कष्ट होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जिस मनुष्य की मृत्यु होने वाली होती है, वो बोलना चाहता है लेकिन वो बोल नहीं पाता है। अंत समय में उसकी सभी इंद्रियां यानी बोलने, सुनने आदि की शक्ति नष्ट हो जाती है और वो हिल डुल भी नहीं पाता है। उस समय 2 यमदूत आते हैं। उस समय शरीर से अंगूठे के बराबर आत्मा निकलती है, जिसे यमदूत पकड़ लेते हैं। शरीर के किस भाग में रहती है आत्मा? शरीर के हर अंगों का एक निश्चित स्थान है। दिमाग सिर में होता है, दिल सीने में होता है और किडनियां पेट में होती हैं। हम सभी इस बात को जानते हैं, लेकिन जब आत्मा की बारी आती है तो हम नहीं बता पाते हैं कि शरीर के अंदर आत्मा कहाँ रहती है। आइए आज हम आपको बताते हैं कि आत्मा शरीर के किस हिस्से में रहती है। कुछ ज्ञानी पुरुषों का कहना है कि आत्मा सहस्त्रार चक्र में रहती है। ये इंसान के दिमाग का हिस्सा है। पंडित जिस स्थान पर चोटी रखते हैं, ठीक उसी जगह ये स्थित होता है। शास्त्रों में भी ऐसा ही बताया गया है कि आत्मा का निवास मस्तिष्क में ही है। हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथों पुराणों में लिखा है कि आत्मा मस्तिष्क में निवास करती है। बच्चा जब पैदा होता है तब आप सिर को छूकर इस छिद्र को महसूस कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि माँ के गर्भ में बच्चे के शरीर में आत्मा इसी छिद्र से प्रवेश करती है। नए अध्ययनों में कहा गया है कि तंत्रिका प्रणाली से जब क्वांटम पदार्थ कम होने लगता है तब मौत का अनुभव होता है। एरिजोना विश्वविद्यालय के एनेस्थीसियोलॉजी और मनोविज्ञान विभाग के प्रोफेसर एमरेटस और उनके साथी उसी यूनिवर्सिटी में रिसर्च विभाग के निदेशक डॉक्टर स्टुअर्ट हेमेराफ ने आत्मा के बारे में कई बातें बताई। उन दोनों का कहना है कि मस्तिष्क की कोशिकाओं के अंदर बने ढांचे में आत्मा का मूल स्थान होता है, जिसे माइथा ट्यूबस कहा जाता है। जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है कि योग की भाषा में इस केंद्र को सहस्त्रार चक्र या ब्रह्मारंध्र के नाम से जाना जाता है। इंसान की मौत हो जाने के बाद आत्मा शरीर के उस भाग से निकलकर बाहर जगत में फैल जाती है। शास्त्रों में भी कुछ ऐसा ही कहा गया है कि मौत के बाद देह से निकलकर ये आत्मा दूसरे लोगों की यात्रा पर निकल जाती है। कुछ वैज्ञानिकों के द्वारा किए गए शोध से इस बात की पुष्टि हुई है। मृत्यु के अनुभव पर वैज्ञानिकों ने शोध किए हैं जो वर्तमान में भी चल रहे हैं। क्या आत्मा अमर होती है? ऐसा माना जाता है कि मानव शरीर नश्वर है, जिसने जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन अपने प्राण त्यागने ही पड़ते हैं। भले ही मनुष्य या कोई अन्य जीवित प्राणी 100 वर्ष या उससे भी अधिक क्यों न जी ले, लेकिन अंत में उसे अपना शरीर छोड़कर वापस परमात्मा की शरण में जाना ही होता है। गीता के उपदेशों में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अमर है, उसका अंत नहीं होता, वो सिर्फ शरीर रूपी वस्त्र बदलती है। वैसे तो कई बार आत्मा की अमर यात्रा के विषय में सुना जा चुका है, लेकिन फिर ये सबसे रोमांचक और जिज्ञासा से जुड़ा मसला है। गरुड़ पुराण जो मरने के पश्चात आत्मा के साथ होने वाले व्यवहार की व्याख्या करता है, उसके अनुसार जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसे 2 यमदूत लेने आते हैं। मानव अपने जीवन में जो कर्म करता है, यमदूत उसके अनुसार अपने साथ उसे ले जाते हैं। अगर मरने वाला सज्जन है, पुण्यात्मा है, तो उसके प्राण निकलने में कोई पीड़ा नहीं होती है, लेकिन अगर वो दुराचारी या पापी हो तो उसे पीड़ा सहनी पड़ती है। जब भी कोई मनुष्य मरता है और आत्मा शरीर को त्याग कर यात्रा प्रारंभ करती है, तो इस दौरान उसे 3 प्रकार के मार्ग मिलते हैं। उस आत्मा को किस मार्ग पर चलाया जाएगा, ये केवल उसके कर्मों पर निर्भर करता है। ये 3 मार्ग हैं: अर्ची मार्ग,
धूम मार्ग और उत्पत्ति विनाश मार्ग। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।